हाँ जी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी, वैसे भी काफ़ी ज़बरदस्त चैप्टर है। लेंथी जाने वाला एक्चुअली में ये चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से शुरुआत में ज़्यादा फोकस करिएगा। शुरुआत में मैं ज़्यादा आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको पहले बताने वाला हूँ, फिर साथ साथ फिर मैक्सिमम प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी क्वेश्चंस की, इसीलिए कोशिश करेंगे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की, बिल्कुल जो हमारे पास पूरे चैप्टर में है वो समझने की। पहली बात तो है क्या चैप्टर का नाम, अमलगामेशन, अमलगामेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या, अमलगामेशन, पहले लिखिए मीनिंग, अमलगामेशन refers to process of merger of two or more companies, process of merger of two or more companies, or process of taking the business of one company by another company sorry, ठीक है। अमलगामेशन क्या है, प्रोसेस है मर्जर, मर्जर का प्रोसेस है टू और मोर कंपनीज का, या फिर एक कंपनी दूसरे ने टेकन ओवर कर ली, ठीक है। मतलब क्या है, अब देखिए अमलगामेशन के टाइप्स कितनी होती हैं, पहली बात तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अमलगामेशन, अमलगामेशन की तीन टाइप्स हैं, अमलगामेशन या फिर आप मर्जर की बोल सकते हो, अमलगामेशन या मर्जर की टाइप्स, ठीक है। एक तो है अमलगामेशन, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमलगामेशन क्या होता है, अब देखिए अमलगामेशन क्या होता है एक्चुअली में, दो कंपनियां हैं, ए है इधर, बी है, एक ए कंपनी है एक बी कंपनी है, ए और बी दोनों बंद करके हम एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, सी लिमिटेड। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अमलगामेशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अमलगामेशन। अमलगामेशन में क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, लिक्विडेट हो गई और एक नई कंपनी बनी, एक नई कंपनी बनी।
ठीक है जी। दूसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है, ठीक है, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। इसमें ए लिमिटेड परचेज कर ली किसने, बी लिमिटेड ने। ए लिमिटेड एक्वायर या फिर आप बोल सकते हो टेक ओवर, ए लिमिटेड और एक्वायर, यू कैन से टेक ओवर द बिजनेस या टेक ओवर द एसेट ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, नो न्यू कंपनी क्रिएट, यहां पे कोई नई कंपनी क्रिएट नहीं हुई, एक ही कंपनी के साथ काम चल गया, मतलब एक लिमिटेड बंद हो गई और बी लिमिटेड क्रिएट हो गई, सॉरी बी लिमिटेड ने बिजनेस क्या किया, एसेट का, ए लिमिटेड का एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, एक न्यू कंपनी है, एक न्यू कंपनी है, एक न्यू कंपनी है जो क्या करती है, एग्जिस्टिंग कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर लेती है, कौन, एक न्यू कंपनी, ठीक है। अब कुल मिला के अब ध्यान से डिफरेंस समझना तीनों में क्या है। पहला क्या हो गया, अमलगामेशन। अमलगामेशन में मतलब कम से कम कितनी कंपनियां हुई, तीन कंपनियां। अमलगामेशन में कम से कम कितनी कंपनियां होंगी, तीन कंपनियां होंगी, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ठीक है। ए और बी दोनों बंद हो गई, एक तीसरी नई कंपनी सी लिमिटेड आ गई, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अमलगामेशन, क्लियर है। दूसरी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसको आप मर्जर भी बोल सकते हो। एब्जॉर्प्शन मीन्स पहली कंपनी का जो बिजनेस है दूसरी कंपनी ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, मतलब दूसरी कंपनी में मिल गया। अब देखा जाए इसमें क्या हुआ, वन और टू कंपनीज क्या हो गई, बंद हो गई, और न्यू कंपनी कोई भी नहीं बनी, ठीक है। तीसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, जो एक नई कंपनी बनी थी, देखा जाए अमलगामेशन में कम से कम कितनी कंपनियां होनी चाहिए, तीन। एब्जॉर्प्शन में कम से कम दो होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी दो से ही चल जाएगा, कम से कम मतलब दो होनी चाहिए। वो कैसे, एक नई कंपनी बनी थी, न्यू कंपनी ने एग्जिस्टिंग कंपनी का जो बिजनेस था वो क्या कर लिया, ठीक है, एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अब देखिए, अब पार्टीज, पहले बात करते हैं पार्टीज कौन कौन सी थी। पहला ट्रांसफर, या इसको बोलते हैं
अमलगामेटिंग, दूसरा ट्रांसफरी या अमलगामेटेड, ठीक है जी। ट्रांसफरर कौन है जो कंपनी लिक्विडेट हो गई, जो कंपनी लिक्विडेट हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने अमलगामेशन की एग्जांपल में ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो थी वो क्या थी, ट्रांसफरर कंपनी। फरर मतलब जिसके फर उड़ गए, जिसके मतलब जो कंपनी बंद हो गई वो क्या है, ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। वो क्या है, ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी बंद हो गई, जिसके बिजनेस क्या हो गया, खत्म हो गया। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, इसको आप रिजल्टिंग कंपनी भी बोल सकते हो, न्यू कंपनी भी बोल सकते हो। जैसे अमलगामेशन के केस में, अमलगामेशन के केस में ए और बी क्या थी, ट्रांसफरर थी। सी लिमिटेड जो नई कंपनी थी वो क्या थी, ट्रांसफरी, अमलगामेटेड कंपनी थी, ठीक है, अमलगामेटेड कंपनी थी, ठीक है। मतलब रिजल्टिंग कंपनी, जो इस प्रोसेस से एक नई कंपनी निकलकर बाहर आई, ठीक है। न्यू कंपनी या फिर रिजल्टिंग कंपनी, जैसे कि एब्जॉर्प्शन का केस पढ़ा हमने। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन में ए लिमिटेड का बिजनेस टेकन ओवर कर लिया बी ने। अब ए तो जो बंद हो रही है वो क्या हो गई, ट्रांसफरर, और बी क्या हो गई, रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। मतलब जिसने अमलगामेट किया बिजनेस, दैट इज अमलगामेटेड कंपनी, अमलगामेटेड। ऐसे ही एक्सटर्नली कंस्ट्रक्शन में था, वहां पर भी देखा जाए किस लिए था, वहां पर भी एक जो नई कंपनी थी, जो नई कंपनी क्रिएट हुई थी वो क्या है, अमलगामेटेड, रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है जी, रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है जी, वो क्या है, रिजल्टिंग कंपनी, सॉरी। ठीक है जी, ये है पार्टीज, दो पार्टीज हैं, ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी। अब यहां पर हमारे को अकाउंटिंग में क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले एक तो हमारे को यहां पे बुक्स बनानी होती हैं, बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एक, बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है जी। मतलब अमलगामेटेड कंपनी और अमलगामेटिंग कंपनी दोनों की बुक्स बनानी है। इसके अलावा हमें एक तीसरा कॉमन कॉमन वर्किंग होता है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है जी, परचेज कंसिडरेशन पीसी, एक हमें ये करना है, ठीक है जी। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है हमें, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अमलगामेशन के बारे में। यहां पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया पार्टीज दो हैं, ट्रांसफर है, ट्रांसफरी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमलगामेशन में क्या क्या आ गया जी, दो तरीके की टाइप्स एक्चुअली में होती हैं। एक होता है अमलगामेशन,
इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक होता है अमलगामेशन, इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है जी, एक होता है हमारा अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा होता है अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब मर्जर कब होता है, परचेज कब होता है, अगर अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होगा, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होगा, कब माना जाएगा कि अमलगामेशन जो है वो मर्जर है, ठीक है, इन द नेचर ऑफ मर्जर है, ठीक है। अगर ये कंडीशन, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन अमलगामेशन शैल बी ट्रीटेड एज इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है जी, मर्जर माना जाएगा। नंबर एक, नंबर एक, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी becomes the assets and liability of liabilities of transferee company, मतलब जो सारी assets और liability थी transferer company की, वो सारी की सारी as it is किसने ले गई, कौन ले गया, transferee company ले गया, ठीक है, सभी assets और liability जो transferer company की थी वो किसने टेक ओवर कर ली, ले गया कौन, ट्रांसफरी कंपनी। दूसरी शर्त क्या है, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यू, टेकन ओवर देयर एट देयर बुक वैल्यू, मतलब जो एसेट्स और लाइबिलिटी थी ट्रांसफर कंपनी की वो किसकी बन गई, ट्रांसफरी की, जो बुक वैल्यू एसेट्स और लाइबिलिटी की इधर रिकॉर्ड थी ट्रांसफरर की, वही ट्रांसफरी की बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। नंबर थ्री, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन शैल बी डिस्चार्ज इन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स ओनली, एक्सेप्ट
फ्रैक्शनल इन कैश, ठीक है जी, एक्सेप्ट फ्रैक्शनल इन कैश मतलब, अब परचेज कंसिडरेशन क्या होता है आगे वैसे डिटेल में बता दूंगा, परचेज कंसिडरेशन मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ खरीदोगे तो उसका मूल मतलब कीमत तो देनी पड़ेगी ना, उस कीमत को पहले आप परचेज प्राइस बोलते थे, अमलगामेशन में परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, पी सी, ठीक है जी, परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसफरी कंपनी जो है खरीद का मूल कीमत देगी, वो कीमत चुकाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के रूप में, मतलब ट्रांसफरर कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ शेयर मिलेंगे। जैसे हमने बोला कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड बंद हो गई, एक नई कंपनी बनी सी लिमिटेड, सी लिमिटेड, अब सी लिमिटेड क्या करेगी, अपने शेयर देगी किसको, ए और बी को, कैसे कितने कितने देगी, जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा वो, एक्सेप्ट फ्रैक्शनल इन कैश मतलब अगर मान लीजिए 40,444.45 शेयर आ गए, ठीक है, मतलब इस तरीके से, फॉर एग्जांपल 41,000 मान लीजिए 256.65 आ गए। अब फ्रैक्शनल में तो शेयर होते नहीं, तो इसलिए क्या होगा, कैसे पीसी डिस्चार्ज की जाएगी, 41,256 शेयर्स और कैश 0.65 शेयर्स का कैश दिया जाएगा, जो भी शेयर का प्राइस तय हुआ है उस हिसाब से 0.65 शेयर्स के पैसे दे दिए जाएंगे, क्योंकि इतने 0.65 तो शेयर दिए जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो पीसी डिस्चार्ज होगा इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ओनली, एक्सेप्ट फ्रैक्शनल इन कैश। नंबर 4, एटलीस्ट एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है जी, कम से कम 90% जो शेयर होल्डर हैं ट्रांसफर कंपनी के वो शिफ्ट हो जाएंगे कहां पर, ट्रांसफरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और लास्ट है बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी, बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी टू रन इन द फ्यूचर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मतलब जो बिजनेस ट्रांसफर कंपनी ने एक्वायर किया है ट्रांसफरी कंपनी का, वो आगे रन करने के लिए, आगे रन करने के लिए एक्वायर किया है ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफर कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी सिर्फ इसी वजह से नहीं खरीदना चाह रही कि वो प्रॉफिट कमाना चाहती है, नहीं है ना। कई बारी क्या होता है देखिए कि जो एसेट्स और लाइबिलिटी मतलब बिजनेस एक्वायर किया जा रहा है एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी का, वो सिर्फ उनको लग रहा है कि हाँ उनकी जो वैल्यूएशन है वो अच्छी है, पर सिचुएशन बुरी होने की वजह से मार्केट में
अपना वो कोई भी अपना अपनी कमियों पे काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ठीक है नॉर्मल एक ग्रोथ नहीं कर पा रहा, इसलिए वो बिजनेस ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, है ना, इसलिए वो अमलगामेशन के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो उस केस में वो एसेट्स मतलब उनका बेशक पर्पस हो सकता है आगे चलाने का हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जब ये पांचों शर्तें पूरी हो जाएंगी, सभी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी की किसकी बन गई, ट्रांसफरी कंपनी की। नंबर दो, एसेट्स और लाइबिलिटी कितने पर टेकन ओवर करी, बुक वैल्यू पे। नंबर तीन, जो पीसी है वो डिस्चार्ज होगी शेयर में। नंबर चार, जो एटलीस्ट 90% जो शेयर होल्डर हैं ट्रांसफर कंपनी के, वो किसके बन जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर जो हैं वो ट्रांसफर से ट्रांसफरी कंपनी के बन जाएंगे। नंबर पांच, जो पीसी है वो डिस्चार्ज हो सॉरी बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की अजम्पशन से लिया जाएगा। जब ये पांचों शर्तें, पांचों दोबारा बोल रहा हूँ, सभी शर्तें एक साथ फुलफिल हो जाएंगी, तभी माना जाएगा अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अदरवाइज कोई भी घटना मतलब कोई भी सावधानी इनमें से हटी, दुर्घटना घटी। मतलब अगर इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंडीशन इज फेल, देन अमलगामेशन शैल बी ट्रीटेड इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है जी, तो अमलगामेशन क्या मानी जाएगी, इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है जी, परचेज। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो अमलगामेशन के मेथड दो होते हैं, एक इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, अब मैं आपको अकाउंटिंग भी बता देता हूं। वैसे हम लोग पहले करेंगे ट्रांसफर कंपनी की बुक्स, पर मैं आपको यहां पर बता देता हूं अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सी फॉलो होगी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये किसकी बात हो रही है, टू ट्रांसफरी कंपनी। अब आप कहोगे अगर मैं ये चीज नहीं भी लिखता ना, अगर मैं ये चीज नहीं भी लिखता तब भी अज्यूम्ड थी, प्रज्यूम्ड थी कि यार हम ट्रांसफरी कंपनी की ही बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफरी कंपनी की ही बात कर रहे हैं। वो कैसे, या ट्रांसफर कंपनी तो बंद ही हो गई, जो उजड़ गया बेचारा उसके लिए क्या मर्जर और क्या परचेज, है ना, वो तो गई भैंस पानी में। उसका तो सिंपल, जैसे आप पार्टनरशिप अभी डिसोल्यूशन करके आए हो, है ना, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन करके आए हो, वैसे ही यहां पर अमलगामेशन हो जाएगा। है कि नहीं, उसी तरीके से ही अमलगामेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन करते थे, वैसे ही ट्रांसफर कंपनी की बुक्स करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से ट्रांसफर कंपनी की बुक्स सॉरी अपना पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन करते थे, वैसे ही ट्रांसफर कंपनी की बुक्स करेंगे, ट्रांसफर कंपनी की बुक्स करेंगे। तो इसलिए जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है
मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहां पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग के मेथड ऑफ अकाउंटिंग दो हैं, एक पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड एक होता है परचेज मेथड। ठीक है जी, एक पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एक होता है परचेज मेथड। पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब लगेगा? जब होगा अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। परचेज मेथड कब लगेगा? अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो सिंपल हुआ, जो ट्रांसफरी कंपनी को बुक्स बनानी है, अकाउंटिंग करनी है, उसके दो मेथड हैं, एक पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एक परचेज मेथड। बहुत आसान है, दोनों ही जब करेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल है। पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एक परचेज मेथड। पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब लगेगा? जब अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ क्या है? मर्जर, ठीक है। जब आपको पता है मर्जर कब होता है, जब वो पांचों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो अमलगामेशन क्या कहलाएगा? मर्जर कहलाएगा। जब पांचों में से कोई भी एक आधी शर्त टूट गई, या दो टूट गई, तीन चार पांच कुछ भी हो गया, तो फिर परचेज कहलाएगा। जब परचेज अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा तो फिर परचेज मेथड लगेगा, परचेज मेथड लगेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, इन द पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है, जब हम ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स करेंगे तो मैं आपको वहां पर डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो वहां पर हम डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गए दो मेथड अकाउंटिंग के, किसके? ट्रांसफरी कंपनी के, मर्जर मेथड, पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेज मेथड, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो सबसे मेन काम होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है एक्चुअली में इस चैप्टर में, वो होती है पीसी, परचेज ठीक है जी, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होती है? अमाउंट पेबल बाय ट्रांसफरर कंपनी, सॉरी, अमाउंट पेबल बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी
फोर अमलगामेटिंग और एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ठीक है जी, परचेज कंसिडरेशन क्या है? जो मनी पेबल है, जो अमाउंट पेबल है किसके द्वारा? ट्रांसफरी कंपनी। जो बंदा, सीधी सी बात है यार, जो बंदा एसेट खरीदेगा, जो चीज़ जो बेनिफिट लेगा वही पे करेगा। एसेट्स और लाइबिलिटी किसने एक्वायर करी है? ट्रांसफरी कंपनी ने। वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट पे करेगा दैट इज परचेज कंसिडरेशन। अब दूसरों बंदों की बात क्यों नहीं हो रही? कंपनी क्रेडिटर को ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी के क्रेडिटर को पेमेंट कर रही है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रही है, बैंक के लोन की पेमेंट कर रही है। वो पीसी का पार्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है सर? वो क्यों नहीं पार्ट? वो बच्चों इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्या खरीद रहे हैं? पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं। अब जब बिजनेस खरीदेंगे उसमें एसेट भी आएंगी, लाइबिलिटी भी आएंगी। ठीक है, एसेट भी आएंगी, लाइबिलिटी भी आएंगी। मान लीजिए आपने 100 रुपये की एसेट आई, 30 रुपये की या 50 रुपये की, मान लीजिए 40 रुपये की लाइबिलिटीज आई। ठीक है, तो आपके हिस्से में 100 रुपये की एसेट्स आई, 40 रुपये की लाइबिलिटीज आई आउटसाइडर। अब यार आप एसेट अगर ले रहे हो तो जो बाहर वाले लोग हैं, आउटसाइडर हैं, उनको आप पैसा भी तो मोड़ोगे ना, अमाउंट देना पड़ेगा उनको। ठीक है, अगर आप मोड़ना चाहते, बिजनेस बंद करना चाहते हो, तो एक्वायर करके बंद करना चाहते हो, है कि नहीं? तो आपको एसेट के एसेट लेकर बेचकर पैसा जो रिलाइज होगा, तो बैंक वालों को, डिबेंचर वालों को, क्रेडिटर वालों को, बैंक लोन को, या कोई और, इसके अलावा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मालिकों के हाथ क्या लगा? मालिकों के हाथ तो अभी तक कुछ भी नहीं लगा। मालिक तो ऐसे, जो ऑनर है कंपनी के, वो तो ऐसे करके अभी बैठे हैं, देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, है ना? जो हमें मिलेगा, मतलब जो शेयर होल्डर को मिलेगा, वही सिर्फ और सिर्फ पीसी का पार्ट है। अदरवाइज जो आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो, डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हो, बैंक लोन वालों को पे कर रहे हो, वो तो भाई आपने देना ही था, है ना? वो तो आपने कमिटमेंट करी ही थी, एसेट के साथ साथ आप लाइबिलिटी ले ही जा रहे हो, है ना? तो मतलब आप कीमत किस चीज को, किस चीज के लिए चुका रहे हो? सिर्फ जो शेयर होल्डर को आप पेमेंट कर रहे हो, जो शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो, वो एक्चुअली में परचेज कंसिडरेशन है, वो एक्चुअली में पीसी है। ठीक है जी, अब पीसी में दो बंदों को पेमेंट आएगी, पेमेंट टू शेयर होल्डर का मतलब क्या है? इसमें इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर तो होगा ही होगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर को चाहे आप कैश दे रहे हो, चाहे आप इक्विटी शेयर दे रहे हो, चाहे आप इनको कुछ और भी दे रहे हो, एनी अदर,
या कोई भी मान लीजिए कुछ भी लगा लीजिए, डिबेंचर इशू कर रहे हो या फिर कुछ भी पे कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी दे रहे हो किसको, इक्विटी वालों को, वो पीसी का पार्ट होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, इक्विटी शेयर दे रहे हो, कैश दे रहे हो, ये सब कुछ पीसी का पार्ट होगा, परचेज कंसीडरेशन का पार्ट होगा, ठीक है जी। जो मेन चीज बच्चों को कंफ्यूजन खड़ी करती है वो पीसी में यही खड़ी करती है। एक्चुअली में बच्चे पीसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जो पेमेंट टू क्रेडिटर करी है, डिबेंचर होल्डर करी है, वो भी पीसी में लेनी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, ठीक है। इसलिए मैंने पहले वही चीज पे ही स्ट्राइक किया जिस पे आप लोगों कंफ्यूज हो गए, वो चीज को दूर कर गया, ठीक है। ये हो गया पीसी में क्या क्या आता। पीसी का मतलब आपको पता लग गया, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन क्या है, जो भी हमें पे करना पड़ रहा है ट्रांसफरर कंपनी को, ट्रांसफरर कंपनी को कौन पे कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है। किस लिए पे कर रही है, क्योंकि उन्होंने एसेट लाइबिलिटी बिजनेस मतलब लिया है, एब्जॉर्ब किया है, एमलगामेट किया है, टेकओवर किया है, तो उसको हमें कुछ देना ही पड़ेगा। और देना किसको पड़ेगा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। जो भी कुछ दिया है वो पीसी का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ पीसी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ पीसी। परचेज कंसीडरेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड होता है लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड क्या होता है, सिंपल सी बात है। आपने एक कंपनी एक्वायर करी, एक्स लिमिटेड ने एक्वायर किया वाई लिमिटेड ने, मतलब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में एब्जॉर्ब्ड हो गई, ठीक है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में एब्जॉर्ब्ड हो गई मतलब एक्स लिमिटेड बंद हो रही है, ठीक है। ठीक है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में एब्जॉर्ब हो रही है। अब वाई लिमिटेड ने बोला कि हम आपको एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे, वो है 25 लाख रुपए। वाई लिमिटेड ने बोला एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को कि हम आपको आपके बिजनेस के बदले में 25 लाख रुपए देंगे। अब यहां पर बिना कोई पेमेंट, बिना कोई एसेट की सिंगल वैल्यू तय किए, सीधा ही फिक्स कर दिया एक लमसम अमाउंट, उक्का मुक्का अमाउंट सीधा ही फिक्स कर दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स कर दी कि भाई आपको इतने पैसे देंगे। अब ये पैसे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, शेयर में हो सकते हैं, कैश में हो सकते हैं, ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे एट द टाइम ऑफ अमलगामेशन, ठीक है, वही बंदे तय करेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ पीसी, मतलब पीसी डिस्चार्ज किस फॉर्म में होगी वो बंदे वही तय करेंगे, ठीक है जी। पहला बिल्कुल आसान मेथड हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में आपको सीधा ही मेंशन हो रहे होएगा कि भाई ये पेमेंट करनी है, दैट इज अमलगामेशन का पहला मेथड पीसी का लमसम। दूसरा होता है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड क्या है, पेमेंट मेथड में जो पीसी तय होगी वाया पेमेंट मतलब बोला जाएगा कि भाई हम आपको
इतने इक्विटी शेयर देंगे ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को, ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को बोलेगी कि भैया हम आपको अपनी कंपनी के इतने इक्विटी शेयर देंगे एट द रेट ऑफ इतने, ठीक है, इतने रुपए का शेयर इतने में देंगे। नंबर दो, हम इतने आपको प्रेफरेंस शेयर देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर के बदले में एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है, एट द रेट ऑफ दिस। हम आपको कैश देंगे हर इक्विटी शेयर के बदले में इतने रुपए, मान लीजिए एक इक्विटी शेयर के बदले में एक रुपया या दो रुपए तीन रुपए हम आपको कैश देंगे। तो ये सभी सभी पेमेंट का जो सम होगा दैट इज द परचेज कंसिडरेशन। ध्यान देना, मिक्सअप मत करना, दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है जो कंफ्यूजिंग होती है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है पीसी के समय पर, क्वेश्चन करते वक्त हम लोग कई बार डिस्चार्ज ऑफ पीसी को पीसी समझ लेते हैं। उन्होंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बोला कि आपको 25 लाख रुपए देने हैं, परचेज कंसिडरेशन आपकी कंपनी की लमसम अमाउंट कितना होगा 25 लाख। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, और उसकी उसी के साथ उन्होंने बोला ये जो 25 लाख है, 25 लाख जो है हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे, 15 लाख के शेयर देंगे, 10 लाख के कैश देंगे। ये कौन सा मेथड था? लमसम पेमेंट मेथड। इसमें डिस्चार्ज ऑफ पीसी का आगे फॉर्म बताया हुआ था। दूसरा मेथड आया पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में क्या हुआ, कंपनी कहती है हम आपको 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर देंगे, 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर देंगे, 9 लाख के इक्विटी शेयर देंगे, 1 लाख रुपए कैश देंगे। बस इतना ही बोला हुआ है, इतना ही बोला हुआ है। ये नहीं बोला हुआ कि कितनी की अमाउंट है, परचेज कंसिडरेशन कितना है, नहीं, यहां पर नहीं बताया होगा। पेमेंट मेथड में ये बोला होगा कि आपको इतनी 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 पेमेंट हम दे रहे हैं, इस रूप में दे रहे हैं, इतने डिबेंचर दिए जा रहे हैं कंपनी को डिबेंचर के बदले में, इतने इक्विटी शेयर के बदले में इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, इतने प्रेफरेंस शेयर के बदले में प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं। अब आपको पता है जब आप पीसी निकालोगे तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो मिलेगा उन दोनों का टोटल पीसी होगा, परचेज कंसिडरेशन होगा, वाया पेमेंट मेथड, वाया पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड में आपको बताया होगा कि इतने की ही पीसी है, उसमें डिस्चार्ज ऑफ पीसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं हुआ तो समझ के चलिए इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर है, अगर हुआ तो जैसे बोला होगा वैसे ही करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड में क्या बोला होगा, इतने की पेमेंट इसको, इतने की पेमेंट इसको, इतने शेयर प्रेफरेंस वालों को, इतने शेयर इक्विटी वालों को, इन दोनों का सम पीसी बन जाएगा, ठीक है जी। दूसरा मेथड हो गया पीसी का पेमेंट। तीसरे पे आते हैं जी, मेथड नंबर थ्री, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड कैसे आएगा, यहां पर मान लीजिए फिक्स एसेट्स हैं, वो आ जाएंगे सारे, कोई करंट एसेट्स हैं वो भी आ जाएंगी, प्लस कोई इन्वेस्टमेंट है वो भी आ जाएगी अगर टेकन ओवर है तो। अब देखिए एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो मतलब बुक वैल्यू पे उठाएंगे, जब कोई एडजस्टमेंट में मतलब नहीं कुछ लिखा हुआ तो बुक वैल्यू पे उठाएंगे। अगर एडजस्टमेंट में बोला गया है कि फिक्स, ऐसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर एट 10% डिस्काउंट, बिल्डिंग टेकन ओवर एट 25% अबव द कॉस्ट, तो जैसे बोला होगा वैसे उठाएंगे ना। ठीक है, ये हो गई जी टोटल एसेट्स हो गई, माइनस क्या हो जाएगा आउटसाइडर लाइबिलिटीज, माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। अब आउटसाइडर लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका डिबेंचर्स, लोन आ जाएंगे, क्रेडिटर आ जाएंगे, या फिर आप करंट लाइबिलिटी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट करंट लाइबिलिटी में आपको पता है क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, इन सब का टोटल यहाँ से माइनस हो जाएगा। फाइनली ये क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स। अब नेट एसेट को ही यहां पर क्या बोला जाता है, पीसी, नेट एसेट या फिर पीसी। ठीक है जी, नेट एसेट ही क्या होगी, परचेज कंसिडरेशन। अब आपको पता है ये जो पीसी है, हो सकता है इसकी डिस्चार्ज फॉर्म दी हो, है ना, हो सकता है उन्होंने बोला हो कि भाई फाइंड द परचेज कंसिडरेशन बाय नेट एसेट मेथड एंड सच पीसी शैल बी डिस्चार्ज इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू दिस एट 20% प्रीमियम। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 25 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन आई, 25 लाख की परचेज कंसिडरेशन आ गई, आपको पता लग गया। अब उन्होंने बोला कि भाई जो पीसी है वो डिस्चार्ज हो रही है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर कितने हैं जी, फेस वैल्यू 10 रुपये है एट 20% प्रीमियम। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कि कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 25 लाख डिवाइड बाय 12, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 में आ गया, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं 25%। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 12.5, 25 लाख डिवाइड बाय 12.5, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख शेयर मतलब ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को इशू करेगी। ठीक है जी, 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर इशू करेगी ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है जी, ये हो गया आपका नेट एसेट मेथड। ठीक है, नेट एसेट मेथड। चौथा और लास्ट मेथड होता है इंट्रिंसिक मेथड नंबर 4, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, एक शेयर की औकात, एक शेयर की औकात मतलब क्या है, यहां पर जो पीसी डिस्चार्ज होगी, यहां पर पीसी जो मतलब डिस्चार्ज, या फिर आप कह सकते हो पीसी तय होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब एक कंपनी की शेयर की वैल्यू के बेस पर। ठीक है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड की जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो है 15 रुपए, वाई की कितनी है 30 रुपए। अब मतलब क्या है, जो पीसी तय होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के जो शेयर की वैल्यू होगी
उसी के ही मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, ठीक है जी, उसी के मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे चारों मेथड्स हो गए। अभी तक हमने क्या क्या किया कुल मिला के, पहले सिंपल अमलगामेशन क्या होता है, अमलगामेशन की फॉर्म आपने समझी, तीन हो सकती होती हैं, एक अमलगामेशन, अमलगामेशन में क्या पढ़ा आपने कि भाई एक एग्जिस्टिंग कंपनियां बंद हो रही हैं, एग्जिस्टिंग कंपनियां बंद हो रही हैं, एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां एग्जिस्टिंग वाली बंद हो रही हैं और एक नई कंपनी उनको बंद करके ऑफ हो रही बन रही है, ठीक है, वो है अमलगामेशन। दूसरा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता था, एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस टेकन ओवर कर लिया, जिससे क्या हुआ, कोई नई कंपनी नहीं बनी, एक या एक से ज़्यादा कंपनियां वाइंड अप हुई, ठीक है। और तीसरा था एक्सटर्नली कंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नली कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, एक नई कंपनी जो फॉर्म हुई थी उसमें एग्जिस्टिंग दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा जो अमलगामेशन के मेथड, अमलगामेशन के जो दो एक्चुअली में मेथड होते हैं, एक होता है अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होता है, जब पांच शर्तें पूरी हो जाएं। पांच शर्तें कौन सी थी, सभी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी की ट्रांसफरी की बन गई, सभी एसेट्स और लाइबिलिटी टेकन ओवर बुक वैल्यू पे, ठीक है, और एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर किसके बन गए, ट्रांसफर के, ट्रांसफरी के बन गए, और पीसी डिस्चार्ज होगी इन फॉर्म ऑफ शेयर ओनली, फ्रैक्शन कैश में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और लास्ट बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही क्या किया जा रहा है, टेक ओवर किया जा रहा है। जब ये पांचों शर्तें पूरी हो गई तो फिर अमलगामेशन माना जाएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर है, ठीक है, और अदरवाइज परचेज। और दूसरी बात, अगर अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग होगा कौन सा, ट्रांसफरी कंपनी का पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पुलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अगर अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हुआ तो परचेज मेथड लगेगा अकाउंटिंग किसका, ट्रांसफरी कंपनी का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस ले रही है और उस बिजनेस के बदले में ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है उसे बोला जा रहा है पीसी, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के मेथड चार होते हैं। पहला मेथड था लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड क्या था, जो लमसम अमाउंट ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को इंडिविजुअल एसेट को असाइन किए बिना ही सभी ओवरऑल एसेट्स के लिए एक फिक्स अमाउंट दी जा रही है, दैट इज लमसम पेमेंट। दूसरा हमारा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में क्या हो रहा है, यहाँ पर पीसी जो कैलकुलेट की जा रही है, असर्टेन की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ठीक है। तीसरा होता था नेट एसेट। नेट एसेट में क्या था, एसेट्स दैट इज फिक्स एसेट, करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट, जो भी अगर एग्रीड वैल्यू पे, आप सिंपल बोल सकते हो एट एन एग्रीड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बुक वैल्यू भी हो सकती है, रिवैल्यूड भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम रिवैल्यूड फिगर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एट एन एग्रीड वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें से माइनस होएगा आउटसाइडर लाइबिलिटी, डिबेंचर, बैंक लोन, करंट लाइबिलिटी, तो ये आ जाएगा आपका नेट एसेट इज इक्वल टू पीसी। चौथा है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, जो नेट शेयर की, एक कंपनी के शेयर की वैल्यू की औकात है, उसके बेसिस पर एक्सचेंज की जा रही है पीसी, ठीक है। पीसी जो तय होगी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द बोथ कंपनी, दैट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। अब इसके अलावा कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आते सारी पहले पीसी को बहुत जबरदस्त तरीके से समझेंगे, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं इसके मैं आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा ट्रांसफरर कंपनी पे, ठीक है जी। क्योंकि एक बात समझ के चलिए, अगर आपको जबरदस्त तरीके से पीसी समझ आ गई, आपका समझिए 25-30% चैप्टर हो गया। उसके बाद मैं आपको आसान वाली बुक्स करवाऊंगा, जिससे आपकी एनर्जी जबरदस्त इंक्रीज हो जाएगी, वो है बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। वो आप चुटकियों में कर दोगे, ऐसे चुटकियां बजा के ट्रांसफर कंपनी की बुक्स कर दोगे। सिर्फ एक थोड़ा सा टेक्निकलिटी आएगी, सिर्फ और सिर्फ मज्जर के केस में, अदरवाइज पूरा चैप्टर मलाई की तरह आप लोग उड़ाते जाओगे, ठीक है जी।